हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे मोबाइल आईपी के बारे में। सो मोबाइल आईपी क्या होता है, मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिज़ाइन गोल्स, देन क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ होती हैं और क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है, वो सब भी इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक आईपी पैकेट की डिलीवरी किस तरीके से होती है, पूरे एक आर्किटेक्चर डायग्राम के साथ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मोबाइल आईपी एक्चुअली है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। सो मोबाइल आईपी इज मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज़ डिज़ाइंड बाय IETF। IETF क्या होता है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब क्यों बनाया गया, सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज़ डिज़ाइंड टू अलाउ द मोबाइल डिवाइस यूजर्स टू मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क विदाउट चेंजिंग देयर आईपी। मतलब कि अगर एक यूज़र है किसी एक नेटवर्क में, लेट अस से नेटवर्क नंबर वन में एक यूज़र है, और ये यूज़र अगर यहाँ पे मूव कर रहा है किसी दूसरे नेटवर्क पे, लेट अस से नेटवर्क नंबर टू, तो जो आईपी एड्रेस है उस पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस का वो चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको IP1 असाइन था तो यहाँ पे भी इसको IP1 ही असाइन होना चाहिए। सो दैट इज़ द मेन टास्क ऑफ दिस मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ऐसा हम करते क्यों हैं, सो द IP इज़ मेड मोबाइल सिंस ड्यूरिंग मोबिलिटी IP ऑफ डिवाइस चेंजेस। अगर हम IP को मोबाइल नहीं करेंगे तो मोबिलिटी के दौरान IP जो होगा डिवाइस का वो चेंज होगा और उसके कारण सिस्टम को दोबारा से रिकन्फिगर करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, IP को मोबाइल बनाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिज़ाइन गोल्स ऑफ दिस मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहला तो इट टैकल्स द इश्यूज विद द ट्रांसपेरेंसी, देन साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिक्वायर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। कि जो भी आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है उसका साइज और जितनी फ्रीक्वेंसी पे वो अपना कम्युनिकेशन करता है उसको जितना छोटा बना सको उतना बनाना चाहिए। रीजन इज जस्ट द मोबिलिटी, क्योंकि मोबिलिटी के टाइम पे क्या होता है, आपके पास रिसोर्सेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो आपको रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज के अंदर ही काम करना है, इसलिए ये डिज़ाइन गोल्स मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल के होते हैं। एंड इट द डिज़ाइन गोल शुड बी दैट द सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोबाइल नोड सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर आप मोबाइल नोड पे यूज़ कर रहे हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल होनी चाहिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहली तो कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है, देर शुड बी नो चेंजेस इन एप्लीकेशन और नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अ चेंज इन एप्लीकेशन और नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, कंपैटिबल होना चाहिए। सेकंड इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है मोबिलिटी शुड बी इनविजिबल फ्रॉम हायर लेयर्स। जो हायर लेयर है उनको नहीं पता लगना चाहिए कि जो आपकी डिवाइस है वो मोबाइल है, उसमें नेटवर्क चेंज हो रहा है। सो मोबिलिटी शुड बी इनविजिबल फ्रॉम हायर लेयर्स। थर्ड पॉइंट इज स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, सो मोबिलिटी जो होती है वो आपके नेटवर्क की थ्रूपुट की एफिशिएंसी को कम नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट बी एन इफेक्ट ऑन बोथ स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। देन सिक्योरिटी किस तरह से आप करोगे, अगर आपका एक डिवाइस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ मूव कर रहा है, देन देर शुड बी सम मैकेनिज्म ऑफ ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करना चाहिए, सो ऑथेंटिकेशन शुड बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया हो गया मोबाइल आईपी का, मोबाइल आईपी होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, डिज़ाइन गोल्स क्या क्या हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अब बात करेंगे हम एंटिटीज और टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले हम कहेंगे इसमें मोबाइल नोड या फिर जिसको हम बोलते हैं MN। सो ये होता है एंड यूजर डिवाइस। जैसे कि आपका मोबाइल है तो वो एक मोबाइल नोड है, एंड यूजर डिवाइस। उसके बाद आता है CN या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट नोड। ये होती है अदर नोड फॉर कम्युनिकेशन।
जैसे सपोज अगर एक ये मोबाइल है और ये कम्युनिकेट कर रहा है किसी दूसरे मोबाइल के साथ, ठीक है, अब अगर इसने कम्युनिकेशन इनिशिएट किया है तो ये हो जाएगा आपका मोबाइल नोड और ये हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डेंट नोड, ठीक है। देन HN जिसको हम बोलते हैं होम नेटवर्क। अब जो मोबाइल नोड होती है वो होम नेटवर्क को असाइंड होती है, डेजिग्नेटेड होती है। सो मोबाइल नोड इज डेजिग्नेटेड टू दिस नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में हम देखते हैं यहां पे, तो ये वाला जो नेटवर्क होगा जिसमें मोबाइल नोड है इस वक्त, ये कहलाता है होम नेटवर्क, ठीक है। अब आती है इसमें बात फॉरेन नेटवर्क की। सो फॉरेन नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, व्हेन मोबाइल नोड मूव्स, अब ऐसा नहीं कि इसको आप फॉरेन नेटवर्क बोल दो कि नहीं, व्हेन मोबाइल नोड मूव्स टू अनदर नेटवर्क, और वो जो दूसरा नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन नेटवर्क। सो दिस फॉरेन नेटवर्क इज नॉट अ होम नेटवर्क, ठीक है। जैसे इस मोबाइल नोड का अभी ये होम नेटवर्क था, अब सपोज ये मोबाइल नोड यहां से मूव कर गई, ये मोबाइल नोड मूव करके यहां पे आ गई, ठीक है। तो अब जिस नेटवर्क के अंदर ये मोबाइल नोड आई है उसको हम बोलेंगे फॉरेन नेटवर्क। लेट अस से ये एक नेटवर्क के अंदर आ गई, तो ये वाला नेटवर्क कहलाएगा फॉरेन नेटवर्क, ठीक है। ओके, देन COA जिसको हम बोलते हैं केयर ऑफ एड्रेस। सो इट डिफाइंस द करंट लोकेशन ऑफ मोबाइल नोड इन टर्म्स ऑफ IP। करंट लोकेशन क्या है, अगर इस मोबाइल नोड की आप बात करते हो तो पहले इसका केयर ऑफ एड्रेस ये था कुछ, ठीक है, कुछ भी एड्रेस था, लेट अस से XYZ था, बट ये मोबाइल नोड अब यहां पे मूव कर गई तो इसका केयर ऑफ एड्रेस क्या हो गया, जो करंट लोकेशन है, फॉर एग्जांपल ABC। तो जो करंट लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ IP एड्रेस वो होती है केयर ऑफ एड्रेस। अब जितने भी पैकेट्स हैं वो सब केयर ऑफ एड्रेस को भेजे जाएंगे, मतलब अगर इस कॉरेस्पॉन्डेंट नोड को कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो केयर ऑफ एड्रेस को भेजेगी। अगर इस वक्त आपका इस मोबाइल नोड का केयर ऑफ एड्रेस XYZ था तो यहां पे आएगा, अगर इसका केयर ऑफ एड्रेस चेंज हो गया MN का तो यहां पे पैकेट आएगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली होता है क्या है, जितने भी पैकेट्स हैं वो केयर ऑफ एड्रेस को भेजते हैं, मोबाइल नोड को हम नहीं भेजते, ठीक है। सो बेसिकली होता है क्या है, देर इज अ टनल, एक टनल होती है, टनल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम पैकेट्स को भेजते हैं, ठीक है। एंड दिस केयर ऑफ एड्रेस इज द एंड पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे जो होगा आपका पैकेट इस तरह से केयर ऑफ एड्रेस को भेजा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन एजेंट केयर ऑफ एड्रेस। सो इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द मोबाइल नोड ड्यूरिंग इट्स विजिट। जब आपका मोबाइल नोड किसी फॉरेन नेटवर्क के अंदर विजिट किया है तो वहां पे उस मोबाइल नोड को जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलते हैं फॉरेन एजेंट केयर ऑफ एड्रेस, ठीक है। सो करता है क्या, इट फॉरवर्ड्स द पैकेट टू MN, ये जो MN है उसको पैकेट फॉरवर्ड कर देता है। देन इट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑल्सो, और ये जो फॉरेन एजेंट COA होता है, इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन राउटर, इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन अ राउटर। देन इसके बाद बात आती है को लोकेटेड COA। को लोकेटेड COA क्या है, MN acquires temporary IP address that acts as a COA, ठीक है। सो जब अगर temporary IP address चाहिए किसी मोबाइल नोड को तो हम बोलते हैं को लोकेटेड, उसको COA असाइन हो गया है। देन होम एजेंट जिसको हम बोलते हैं HA। सो होम एजेंट इज लोकेटेड इन अ होम नेटवर्क, होम नेटवर्क के अंदर एलोकेट होता है, लोकेटेड होता है। एक टनल होती है बेसिकली, टनल फॉर पैकेट्स टूवर्ड्स मोबाइल नोड स्टार्ट्स एट होम एजेंट। जितनी भी आपकी टनल है मोबाइल नोड की तरफ, जैसे अगर ये मोबाइल नोड है तो जो टनल है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, होम एजेंट से। होम एजेंट फिर फर्दर पैकेट पर्टिकुलर मोबाइल नोड को भेज देगा। एंड इट हैज ए लोकेशन रजिस्ट्री, लोकेशन रजिस्ट्री का मतलब क्या है, MN की लोकेशन, मोबाइल नोड्स लोकेशन जो होती है वो लोकेशन रजिस्ट्री में होती है।
अभी जो टनल है ये क्या होती है, टनल भी एक आपकी टर्म है, जैसे यहाँ पे टनल है, सो टनल इज नथिंग बट इट इज द पाथ टेकन बाय द एनकैप्सुलेटेड पैकेट, पाथ टेकन बाय एनकैप्सुलेटेड पैकेट्स। ओके, सो ये कुछ टर्म्स थी, कुछ एंटिटीज थी मोबाइल आईपी के कॉरेस्पॉन्डिंग्स में। नाउ वी विल सी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी पैकेट डिलीवरी। सो आईपी पैकेट की डिलीवरी किस तरीके से होती है वो देखते हैं। सो कुछ यहाँ पे हमारे पास आर्किटेक्चर टाइप है। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे होगा एक होम नेटवर्क। सो होम नेटवर्क, देन एक होगा होम एजेंट, बेसिकली इट इज अ राउटर, ठीक है। देन फॉरेन एजेंट, इट इज ऑल्सो अ राउटर, ठीक है। देन हमारे पास है यहाँ पे मोबाइल नोड। सपोज ये मोबाइल नोड है यहाँ पे किसी फॉरेन नेटवर्क में। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखो क्या बता रहे हैं कि आपकी मोबाइल नोड होम नेटवर्क में भी हो सकती है। लेट अस से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मोबाइल नोड मेरी होम नेटवर्क में भी हो सकती है और मोबाइल नोड मेरी फॉरेन नेटवर्क के अंदर भी हो सकती है। यहाँ पे मेरे पास होता है इंटरनेट की फैसिलिटी जिसके थ्रू हम पैकेट्स को भेजेंगे, इंटरनेट। देन देर इज अ राउटर अगेन, और एक हमें क्या चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंट नोड जो कि होगा मेरा सी एन, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, अब सी एन को कोई पैकेट भेजना है, सी एन वॉन्ट्स टू सेंड अ पैकेट टू मोबाइल नोड आई पी एड्रेस, ठीक है। सी एन को कोई पैकेट भेजना है मोबाइल नोड के आई पी एड्रेस पे, तो यहां से पैकेट आपका चलना शुरू होगा। सो पैकेट आपका यहां से चलना शुरू होगा, ठीक है, राउटर के पास गया, देन इंटरनेट के पास गया, और पैकेट आपका सबसे पहले उस मोबाइल नोड के होम एजेंट तक पहुंचेगा, ठीक है। सो मोबाइल नोड के होम एजेंट तक आपका पैकेट पहुंचेगा। सो आप यहां पे लिख सकते हो दिस पैकेट रीचेस मोबाइल नोड होम नेटवर्क, ठीक है। अब अगर इस होम नेटवर्क को या इस होम एजेंट को यह पता है कि मोबाइल नोड इसी नेटवर्क में है, तो पैकेट आपका सिंपल क्या होगा, यहां से होता हुआ इस मोबाइल नोड तक चला जाएगा, ठीक है। बट अगर पैकेट आपका या फिर होम एजेंट को यह पता है कि जो मोबाइल नोड है वो भी होम पे नहीं है, इफ एच ए नोस एम एन इज नॉट एट होम, कि होम नेटवर्क में नहीं है, किसी फॉरेन नेटवर्क के अंदर है, तो क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, हम COA के पास पैकेट को भेजेंगे, और COA को कौन मेंटेन करेगा, फॉरेन एजेंट। तो जो COA होगा उस नोड का वो कहां पे होगा, इस फॉरेन एजेंट के पास, ठीक है। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, अब हम पैकेट को एनकैप्सुलेट कर देंगे, यहां पे जो आपका पैकेट होगा उसको हम क्या करेंगे, एनकैप्सुलेशन करेंगे उस पैकेट की, और उस पैकेट को अब हम भेज देंगे COA के पास। सो अगेन थ्रू इंटरनेट दिस पैकेट नाउ विल रीच दिस COA, ठीक है, COA के पास पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो FA होगा आपका वो पैकेट को डीकैप्सुलेट करेगा एंड उसको फर्दर वो होम मोबाइल नोड जो कि इस फॉरेन नेटवर्क के अंदर थी उस तक पहुंचा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन एजेंट पे आपका डीकैप्सुलेशन होगा, पैकेट को आप डीकैप्सुलेट करोगे एंड पैकेट को इस मोबाइल नोड तक पहुंचा दोगे, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है जिस तरह से काम होता है जब आईपी पैकेट की डिलीवरी होती है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक यू।